राजा को हटा दिया, जैसे की पूजा करता है, शूटिंग कहाँ होती है, कैसे ब्राह्मणों की दुनिया में पहले मम्मा बाबा दोनों के फोटो रखते थे, बाद में ब्रह्मा का फोटो रह गया और मम्मा का चित्र हटा दिया। जिसने हटाया होगा उसको मम्मा से कुछ सबसे ज्यादा आता होगा तो ब्रह्मा को हटा दिया, अकेला ब्रह्मा का चित्र रख दिया। अब ब्रह्मा की सोल है, कौन सी सोल है, कैसे की सोनी तो है और मम्मा की सोल कौन सी है, राधा की सोल है। तो यहाँ जो हम बच्चों ने बैठ किया है वो भक्ति मार्ग में रिपीट होता रहता है। जो भी माया भी होती है वो ऐसे ही कर्म करते हैं। राम सीता की जहाँ पूजा करते हैं या लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं वो प्रवृत्ति मार्ग की पूजा है, निवृत्ति मार्ग की पूजा नहीं है। जो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं वो प्रवृत्ति को मानते हैं और जो दूसरे धर्म है उनमें प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। दूसरे धर्म वाले क्यों नहीं मानते, जैसे दूसरे धर्मों में दूसरे देशों में रावण राज्य पनपता है, एक भारत देश ही है जहाँ प्रवृत्ति मार्ग का राम राज्य पनपता है। रामलीला खेलते तो बाहर से मंगाते हैं रामलीला खेलने के लिए, यहाँ की बात है। भारत में आखिरी जन्म में आकर के दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं सारी आकर के इकट्ठी हो जाती है। जो दूसरे धर्म के होते हैं वो माँ को नहीं मानते, भारतवासी माता पिता दोनों को मानते हैं। इसलिए रामायण में दिखाया है कि रावण जब सीता को हरण करने जाता है तो युक्ति से राम को अलग कर देता है। उन्हें किंगल ही चाहिए तो उनका काम बन जाए। ये सब है रावण संपदा है। ये दूसरे दूसरे देशों में धर्मों में डायवोर्स की प्रथा चलती है, डायवोर्स को अच्छा माना जाता है और भारत में एक नारी सदा ब्रह्मचारी ये अच्छा माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की महिमा होती है, देवताओं को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। विदेश और विदेशी धर्म विचार को बढ़ाने वाले हैं और स्वदेशी धर्म विचार को अच्छा नहीं मानते। विचार से होता है नरक और अभिविचार से होता है स्वर्ग। विचार देवान को बढ़ाता है और अभिविचारी में आत्म की स्थिति ज्यादा रहती है।
आत्मिक स्थिति होगी तो तय स्थिति होने से कर्म बनेगा। और देर आयु की स्थिति होगी, अनेक अनेक देर आयु की याद आती रहेगी तो तय स्थिति गायब हो जाएगी। देवान बढ़ेगा, देवान बढ़ने से विचार बढ़ेगा और नरकार बढ़ेगा। इसलिए सीढ़ी में भारतवासियों की कर्म कहानी दिखाई गई है कि कैसे द्वापर युग से संग के रंग में आते आते जो भारतवासी अभी विचारी थे वो भी विचारी बन गए। द्वापर के आज में फिर भी सिख था, प्रवृत्ति को मानने वाले थे। जैसे जैसे विदर्भियों की तादाद दुनिया में बढ़ती चली गई वैसे वैसे सिंगल उपासनाधारी बन गए, सिंगल देवी देवताओं की पूजा करने लग पड़े। आजकल गांव-गांव में देवी देवताओं के नाम से भूत प्रेतों की पूजा ज्यादा होती है। तो ऐसा तो नहीं कि वो भूत प्रेत अपने को देवी देवता कहला करके पूजा लेते हो, क्योंकि आज की दुनिया में देवी देवता को कोई है नहीं। भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं और वो ग्राम देवता ग्राम देवी के रूप में पूजा लेते रहते। रचना है ना वाइब्रेशन द्वारा रचना है और दूसरा मुख का प्यार रचना है सचिव ने। मुख का प्यार से सचिव में कैसे आलिंगन से होते हैं परंतु इतनी नीची स्टेज में नहीं आती जो शारीरिक क्षरण क्षरण होने लगे, शरीर की शक्ति क्षीण होने लगे। इसलिए बाहुपास तक रहता है आलिंगन से। हाँ बस सुख भोगते हैं लेकिन उच्च कोटि का सुख भोगते हैं।
बस इंद्रियों तक नहीं तेज आती है, इसे द्वापर में होता है ऐसा नहीं। द्वापर का नाम ही है द्वैतवाद, दो पुर दो बातें पैदा हो गई। जब द्वैत पैदा होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अद्वैत होता है एक शिव बाबा दूसरा लकोई, तो बुद्धि श्रेष्ठ रहती है। बस इंद्रियों तक बुद्धि नहीं जाती, शरण नहीं होता, शक्ति क्षीण नहीं होती। बल सत्युग त्रेता में शेष इंद्रियों का सुख भोगते हैं, लेकिन वो सुख भोगने से पतन इतना नहीं होता है जो दिखाई पड़े मालूम पड़े कि हम नीचे जा रहे। इसलिए देवताओं को कोई दुख नहीं होता। कंचन काया निरोगी तब बनेगी जब सदाकाल आत्मा की स्थिति रहेगी, स्वयं स्थिति देह का, देह के संबंधियों का, देह के पदार्थों का बुद्धि में स्मरण ही होना बंद हो जाए। अभी भी अनुभव करते होंगे जब आत्मा की स्थिति अच्छी होने लगती है, बाबा की अच्छी याद आती है, तो भूख प्यास जैसे उड़ जाती है। पांच तत्वों से रस लेने की वृत्ति समाप्त होने लगती है। क्योंकि 500 करोड़ की दुनिया के बीच में रहना पड़ता है, इस दुनिया में वाइब्रेशन भोगियों के ज्यादा है, विकारियों के वाइब्रेशन ज्यादा है, इसलिए उतना असर नहीं पड़ता है। जो आत्म की स्थिति पक्की हो जाए, क्योंकि संग का रंग खराब है, इसलिए बोला आज तुम बच्चों के लिए बोला, तुम बच्चे परमधाम को भी सृष्टि पर उतार लेंगे। माना ऐसा कोई संगठन बनेगा, कारण या कारण है ड्रामा प्लान अनुसार करना ही पड़ेगा कि सारा की वृत्ति एक हो जाएगी, आत्म की स्थिति में ठहरने देवान में आए और दुख दर्द महसूस होने लगेगा, भय पैदा होने लगेगा, दुनिया बस हो रही है, शहर शहर में एटम बम गिर रहे हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा। जो आत्म की स्थिति में रहेंगे उनको कुछ भी अनुभव नहीं होगा, अंत तक सेफ रहेंगे। तो स्वयं स्थिति स्वर्ग आ जाता है, स्वर्ग में शरीर भी कंटेंट ऐसा हो जाता है। आत्मिक परिस्थिति रहने से पांच तत्व भी सात्विक बन जाते हैं, इतने सात्विक बन जाते हैं कि सब प्रकार का सुख प्रकृति ही मुहैया करती है, हमको कुछ भी करने की दरकार नहीं। यहाँ तो वजन ढोना पड़ता है, क्योंकि आत्मा अनेक जन्म के पाप लेकर के आती है। गर्भ जेल में प्राय प्राय करती है, तो
जो माँ गर्भ धारण करती है उसको भी दुख है, और जो बच्चा गर्भ में आता है उसको भी दुख होता है। नई दुनिया में कोई आत्मा पाप कर्म लेकर के आएगी क्या? इसलिए कोई पाप नहीं होने के कारण सुख ही सुख होगा, गर्भ महल होगा, गर्भ खेल का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि माता का शरीर भी तत्वप्रधान पांच तत्वों से बना हुआ और बच्चे का शरीर भी तत्वप्रधान पांच तत्वों से बना हुआ। इसलिए गर्भ जेल के मुकाबले गर्भ महल अनुभव होगा। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे जिन्होंने विकारों पर विजय पाना होगा पा लेंगे, वो विजय नारा में ऐड होते जाएंगे और सर्व के सुखों का अनुभव करेंगे। पांच विकारों पर विजय नहीं होगी तो तपस्या करनी पड़े। पाप ज्यादा करता है बोलते कैसे हम लोग समझना है? पाप ज्यादा करता है, पाप ज्यादा करता है बोलते बाप है कौन? कौन सी आत्मा को कहेंगे बाप और किसको कहेंगे दादा? दोनों में बड़ा कौन है? जिसका नाम पहले वो बड़ा, जिसका नाम बाद में वो छोटा। रंगमंच पर भी पहले कौन है? बाप पहले है या बाप का बड़ा बच्चा पहले? बाप पहले है तो बाप का नाम पहले, और जो बड़ा बच्चा है वो है दादा। कहते ना ज्यादा दादा भी नहीं दिखाते हो क्या? बड़ा भाई है ना, तो वो दादा हो गए। यहाँ संगम युग में बेसिक नॉलेज है तो बेसिक नॉलेज में पहले पहले सुप्रीम कोर्ट प्रवेश किसने करता है? वो है बाप, और उसके बाद दूसरे नंबर में जिसमें प्रवेश करता है वो है दादा। अभी वर्तमान संगम युग में सुप्रीम कोर्ट जो काम करता है जिस कल में मुकर्रर रूप से वो है बाप, और तकनीकी सोल पढ़ाई पढ़ने के लिए जो आती है यहाँ पढ़ती है फिर बेसिक वालों को जाके पढ़ाती है, वो है दादा। तो बाप दादा लेकिन बाप को जब रूहानी बात आती है ना तब बाप सुप्रीम सोल बाप को कहा जाता है और दादा प्रजापिता को कहा जाता है ना? क्या आती है रूहानी स्टेज की बात आती है तब बाप सुप्रीम सोल को कहा जाता है। रूहानी स्टेज में जो आगे जाएगा तो बाप, और तो बाप समान की स्टेज में जो आएंगे वो बाप समान, फिर उन बाप समानों से जिनका जन्म होगा वो बच्चे और दूसरी जनरेशन हो गई। इसलिए दादा,
रात और दिन होगा या नहीं होगा? कतयुग में अंधेरा होगा या नहीं होगा? अंधेरा कहाँ होता है? द्वापर कलयुग में जहाँ द्वैत होता है वहाँ अज्ञान अंधेरा भी होता है। जहाँ द्वैत नहीं होता वहाँ अज्ञान अंधेरा भी नहीं हो सकता है। वो है बेहद की बात। और ये फूल अंधेरा है हद की बात। सत्युग में दो नहीं होंगे, एक ही होगा। जैसे नॉर्थ पोल पर 6 महीने लगातार सूरज ही सूरज रहता है, थोड़े समय के लिए झुटपुटा होता है फिर सवेरा शुरू हो जाता है। नॉर्थ पोल पर 6 महीने तक और दक्षिण पोल पर 6 महीने तक सूर्य की रोशनी ही रोशनी रहती है, चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। तो यहाँ इस दुनिया में भी ऐसे देख रहे तो सत्युग में क्यों नहीं हो सकता? वहां सूर्य की रोशनी ही रोशनी रहेगी, अंधेरे का नाम निशान खत्म हो जाएगा। जब सूक्ष्म नहीं स्थूल भी नहीं होते हैं ना? बिल्कुल। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा माना जाता है? चंद्रमा। उपग्रह पहले या ग्रह पहले? ग्रह पहले। पृथ्वी माता है, माता पहले या माता का बच्चा पहले? माता। पृथ्वी माता है, माता माता पहले या बच्चा पहले? माता पहले। माता पहले। तो सचिन देवता में पृथ्वी तो होती है लेकिन उसका उपग्रह नहीं होता। वो पृथ्वी के साथ मिक्स हुआ रहता है। द्वापर युग में जब अर्धविनाश होता है तो पृथ्वी का एक टुकड़ा टूट करके चंद्रमा के रूप में माना जाता है, दिखाई पड़ता है। तो पृथ्वी वासियों के लिए द्वैतवाद हो जाता है। चंद्रमा अर्थात ब्रह्म और ब्रह्मा की रहवरी में पलने वाले और एक तरफ सूर्य और सूर्य की रहवरी में पलते तो है सितारे लेकिन वो अपने को सूर्य की रोशनी में मर्ज करके रहते हैं। और चंद्रमा की रोशनी में जो सितारे होते हैं वो अपनी रोशनी को अलग अलग करके दिखाते हैं। चंद्रमा की रोशनी में मर्ज होकर नहीं रहते तो अनेकवाद हो जाता है, अनेक प्रकार की ज्ञान की रोशनियां हो जाती है, तुंडे तुंडे मतलब बिन्ना हो जाता है। जैसे यदि के आज में सूर्य उठी चले गए, सूर्य गुप्त हो गया तो चंद्रमा और चंद्रमा की रहवरी में पलने वाले सब धर्म वाले चंद्रमा की गोद में पलते रहे, कांगड़ा भी लेते रहे, दुख भी देते रहे, अपनी अपनी राय मशवरा भी देते रहे। जो श्रेष्ठ था वो छुप गया और जो नंबर वार निश्चित थे और बच्चों की मत पर मां को चलना पड़ा, जैसे आज की दुनिया में भी होता है। उदाहरण खासा बाप चला जाए तो मां को किसकी मत पर चलना पड़ता है?
बच्चों की बस पर चलना पड़ता है। तो ये ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि आदि नंबरवार बच्चों की मत पर उसे चलना पड़ता है। कोई कोई तो ऐसे दुष्ट बच्चे हैं जो माँ की ही जान ले लेते, तो ये है धरती के चैतन्य सूरज चार सितारे और वो होते हैं जड़ चांद सितारे और ले जाने का मतलब है चाहे प्यार से और चाहे मार से, धर्मराज की मार है ना, कैसे भी करके हर मनुष्य आत्मा के मन बुद्धि रूपी आत्मा को खींच करके ऊपर ले जाना। तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जा लेंगे, तुम बच्चों को दृष्टि की ऐसी स्नेह भरी पावर मिलेगी कि तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, याद की स्वतः ही बुद्धि ऊपर भागेगी। और जो बच्चे नहीं बने, जिन्होंने रूहानियत के लिए पुरुषार्थ नहीं किया है, उनके देहवान की हड्डी हड्डी गड़बड़ा तोड़ देगा और आत्मा बन जाएगी, जब जलनीय भागेंगे ऊपर। इसलिए बोला मक्खन का दर्द ले जाऊंगा, लेकिन तो दुनिया में मक्खनों की कोई वैल्यू नहीं होती। गाय बैल भैंस मनुष्यों को और बड़े बड़े कीड़े मकोड़ों को मारने में फिर भी सोच आ जाता है कि ये हम हत्या कर रहे हैं, लेकिन मच्छर जब काटता है तो ऑटोमेटिक हाथ मच्छर के ऊपर गिरता है और मच्छर खलास। मच्छर की कोई वैल्यू नहीं। ऐसे तुम आत्माओं के सारे देहवान को खलास करके ले जाऊंगा। तो प्यार से खलास करेंगे, बाप के बताए हुए रास्ते को मानेंगे और देहवान नष्ट कर देंगे। कोई बात को नहीं मानेंगे तो जबरियन उनके देवान को नष्ट करना पड़ेगा। बाकी ऐसा कोई भी नहीं बचेगा जो देह के साथ परमधाम में पहुंच जाए, देवान को लेकर के वहां पहुंच जाए, सबको आत्मा बनकर के जाना पड़ेगा। इसलिए झाड़ के चित्र में ऊपर की ओर कोई दूसरा देवता बैठा हुआ नहीं है, एक शंकर को बैठा हुआ दिखाया गया कि सब आत्माओं को खींच के ऊपर लिए जा रहा है। इसके ऊपर दिखाया है शिवलिंग, माने शिव की स्मृति है, सबकी स्मृति है। कोई कितना भी देवान वाला हो और वो हठात नीचे खींचना चाहे तो भी वो आत्मा नीचे खींचने वाली नहीं है। और बाबा की आगे क्लास में बताया साहूकार अंकल, साहूकार अंकल सिर्फ काम लेने के लिए उठाते हैं बाबा, तो काम हो रहा हुआ बुद्धि भ्रष्ट होते है, ऐसे बताए ना। तो कोई साहूकार लोग कहते हैं भगवान को भी ऐसा पक्षपात करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना।
साहूकारों को देने के बाद ये अहंकार भी तो आता है कि देखो हमने दिया तभी ये काम पूरा हुआ। जो गरीब लोग हैं उनके पाई पैसे से ये काम पूरा नहीं हुआ। कब हुआ? जब हमने इतना सहयोग दिया तब काम संपन्न हुआ। भगवान को भी हमारा आधार लेना पड़ता है। तो अहंकार आएगा तो देवान को नष्ट नहीं करना पड़े। उसी हिसाब से दादा लेकर को बहुत धन्यवाद था ना। तो क्या हुआ बाद में अंजाम क्या हुआ? दादा लेखराज ज्यादा धनवान थे और बाप कहते मैं गरीब निवाज हूँ, मैं लाख करोड़ पति निवाज नहीं हूँ। तो दादा लेखराज का अंजाम क्या हुआ? पहला बच्चे तो बनते हैं ना। दादा लेखराज और उस समय जितने भी संगी साथी निकले थे सिंध हैदराबाद में सब बड़े बड़े धना देखे। और धना के परिवारों से निकले हुओं का आज क्या हाल है? ऊंच पद पाने वाले हैं या नंबर वाले नीच पद पाने वाले? बाबा कोई धनवान देने के बाद अहंकार नहीं होते थे क्या होते? ऐसा होता नहीं। प्रभुता पाए का हिम्मत नहीं। जिनको प्रभुता मिले धन संपत्ति मिले या आरती मिले या उनकी कुर्सी मिले और उसको अहंकार न हो ये हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ होता तो भारतवर्ष में और विदेशों में ढेर के ढेर राजाएं हुए ऊंची से ऊंची कुर्सी वाले। वो कोई भी नीचे नहीं करते। या कम से कम एक तो ऐसा होता जो नीचे न गिरा होता। कोई हुआ? सारे ही राजाएं अंजाम क्या होता है अंतिम जन्म में? सब राजा नीचे गिर गए। दुनिया से राजाई ही चट हो गई। तो ऐसा होता नहीं। कि प्रभुता मिले और अहंकार ना आए। कामी माफ इतना भी माफ यहां तक माफ। और धर्म वालों ने इतने लंबे समय तक दुनिया के ज्यादा से ज्यादा हिस्से में राज नहीं किया। लंबे समय तक कितना? इस्लाम धर्म ने किया। तो कड़ा विकार है काम विकार तो माफ किया उसको भी माफ कर दिया। कामी माफ को भी माफ सिंह को भी माफ कर दिया। उनको भी राजाई मिलती है। दो भी मुस्लिम माफ उनको भी राजाई मिलती है। मोहिनी महर्षि दयानंद के फॉलोअर वो भी आज बड़े बड़े मिनिस्टर्स बने बैठे हैं जैसे राजा। राजा कहलाते नहीं है फिर भी जैसे नाम मात्र के राजा तो है। 5 साल के लिए वो भी थोड़ा बहुत माफ लेकिन अहंकारी अहंकारियों में कोई राजा नहीं हुआ। बस सारी दुनिया को उन्होंने जीत लिया। सारी दुनिया में प्रजातंत्र राज्य फैला दिया। अपने देश में जो राजाएं चार राजाएं थे उनको भी कत्लेआम कराई दिया। फिर भी भगवान की जो प्राप्ति है राजयोग से राजाई वो अहंकारियों को नहीं मिलती।
सब अहंकार को तो पहला स्थान देना है ना बाप, काम काम के स्थान में अहंकार को पहला स्थान देना है ना, क्योंकि वो तो बड़ा विचार है तो बाप से कुछ नहीं मिलता उन लोगों को। एक होता है देह की स्मृति और एक आता है देह के लिए मान मतलब। ये दूसरा कोई को देह तो है लेकिन काला कलूटा दैव लूटा कमजोर धमजोर शरीर है, तो देह तो है लेकिन देवान नहीं, देवान नहीं। कोई को बहुत सुंदर शरीर मिला हुआ है, बड़े घर में जन्म लिया हुआ है, निरोगी शरीर है, तो अहंकार अहंकार एक होता है स्पेशल अहंकार और एक होता है जन सामान्य में अहंकार। ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसको देह ना हो, देह तो है लेकिन बहुत ही ऐसे है जिनको देह होते हुए भी देह अहंकार जैसे है ही नहीं। जो बाप भी जिस मुकर्रर रथ में आते हैं देह तो है लेकिन देह अहंकार नाम की चीज नहीं। तो दो बातें होंगी, एक देह का होना सामान्य रूप और एक विशेष देह का अहंकार होना। उसको बाप नहीं पसंद करते, जैसे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी लिखवाते हैं, फिर एक होती है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। किसी को पावर देते हैं ना कि हमारा मकान संभाले, दुकान संभाले, जायदाद संभाले, तो जनरल ही लिखती है। एक होता है कि सिर्फ कोई एक खास मकान वो लिख लिया, सारी प्रॉपर्टी नहीं लिखी, उसको कहते स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ऐसे ही ये देवान है, सामान्य रूप से देवान तो सबको है जिनको देह है, लेकिन उस देह का अहंकार सबको एक जैसा नहीं होता। जो भी धर्म है उन धर्मों में एक ऐसी कैटेगरी भी है जिनके अंदर एक स्पेशल देह अहंकार रहता, वो भगवान को भी नहीं मानते, आत्मा को भी नहीं मानते, स्वर्ग को भी नहीं मानते, हम ही स्वर्ग बनाते हैं दुनिया में, कोई अलग से स्वर्ग नहीं होता, नरक को भी नहीं मानते। ऐसे जो स्पेशल अहंकारी है, आज की मुरली में आया कुछ लोग इस दुनिया को ही स्वर्ग मानते हैं। हाँ जी, जिनके लिए ये दुनिया ही स्वर्ग है, दूसरा कोई स्वर्ग नहीं होता, उनको फिर भगवान की दरकार है, उनको भगवान की दरकार ही। बाबा ये बाप आकर तीन धर्मों का स्थापन करते हैं ना, पॉइंट है ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, लेकिन प्रैक्टिकल बाप की पाठ शुरू होता है 1976 से, वो सही है ब्राह्मण और देवता, ब्राह्मण संपूर्ण, ब्राह्मण संपूर्ण देवता सही है, लेकिन बाप आने के बाद भी ये क्षत्रिय धर्म यानी फिर जो धर्म स्थापन होना वो बाप के पाठ में शोभा में लगता है क्या? जो पढ़ाई पढ़ेगा तो ऊंच पद पाएगा, पढ़ाई नहीं पढ़ेगा तो ये टीचर के लिए शोभायमान है कि टीचर ने पढ़ाई पढ़ाई और बच्चा फर्स्ट क्लास पास नहीं हुआ, ये कह सकते नहीं कह सकते। मतलब क्षत्रिय मानस तो कम जन्म लेने वाला है ना, क्षत्रिय का मतलब है जो कम पढ़ाई पढ़ने वाले थे
और कम पढ़ाई पढ़ने के कारण वो डायरेक्ट सूर्य से लेने वाले नहीं बने। क्या सूर्य से डायरेक्ट वर्षा? डायरेक्ट वर्षा नहीं लिया, चंद्रमा से वर्षा लिया। माँ द्वारा तो चंद्रवंशी हो गई, दो ही वंश होते हैं, एक डायरेक्ट सूर्य से प्राप्त करने वाले और दूसरे वो है जो डायरेक्ट सूर्य से प्राप्त नहीं करते। बाबा विक्टोरिया महारानी को वैष्णव माँ को बोला ना, विक्टोरिया महारानी वैष्णव माँ का बताए ना। तो आज की दुनिया में बहुत से ऐसे पाठधारी है जिनका बेहद की दुनिया से कैदी किया जा सकता है पाठ, जैसे नेहरू जी। नाम क्या है? नेह करू। नेह करू कौन सी नेह? रूहानी। रूहानी रूह नेहरू। उन्होंने दुनिया में बल प्रजातंत्र था लेकिन सबसे लंबे समय तक राज्य किया। ऐसे बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी ऐसी आत्मा जो सारी दुनिया के लिए एक नेह की रूह है, विश्व कल्याणकारी है और वो दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज्य करती है। पर दुनिया चेंज हो जाती है, द्वापर युग आ जाता है, कलयुग आ जाता है, तो भी राजाई प्राप्त करने में सबसे आगे रहती और दूसरी आत्मा चाहे कितनी भी श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली रही हो, जैसे शास्त्री जी थे, उनकी कोई गलती किसी ने पकड़ी क्या? शास्त्री जी ने राजी किया एक साल, इतना अच्छा पाकर चलाया, पर एक साल ही चला, समय समय तक नहीं। अगर किसी ने लंबे समय तक चला भी पाया तो इंदिरा गांधी, जैसे अर्ध की दुनिया में आज देखने में आई इंदिरा गांधी, इन माना अंदर डरा माना गंध, कोई गंध का काम करता है ना तो उसको अंदर अंदर डर भरा रहता है कि तो ब्राह्मण की बेटी है, क्या हुआ गंध का दिल कहाँ लग गई? गंध गंध। इसलिए जैसे अर्ध की दुनिया में इंदिरा गांधी उनका राज्य सन 76 में हिल गया, हिलाने का निमित्त तो कौन बना? हाँ हाँ जनता पार्टी, जनता पार्टी। गुजरात से निकला हुआ जयप्रकाश नारायण वो हद का था। ऐसे ही बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में से भी गुजरात से निकलता है जयप्रकाश नारायण बनने वाला, जिसके साथ निकलती है जनता पार्टी, अज्ञानता पार्टी नहीं, जनता पार्टी माने एडवांस पार्टी। और एक साल के अंदर दिल्ली के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाता है, लेकिन स्टेट के ऊपर, सारे भारत पर नहीं। गलती हो गई, अर्ध में भी वो गलती हुई और बेहद ब्राह्मणों की दुनिया एडवांस पार्टी में भी वो गलती हुई कि सारा जोर दिल्ली पर लगा दिया। बाबा ने रास्ता बताया, कोई देश या राज्य को जीतना होता है तो पहले चारों ओर घेराव डालते हैं, चारों ओर घेराव करने के बाद फिर राज्य के ऊपर हमला करते हैं तो जीत होती है। उन्होंने सारा जोर दिल्ली के ऊपर लगा दिया, अर्ध की जनता पार्टी ने भी और बेअर्ध की जनता पार्टी ने।
जनता पार्टी का पराभव हो गया। जैसे जयप्रकाश नारायण के विशेष सहयोगी उस समय कौन बने? कृष्ण मुरारी देसाई। मुरारी किसको कहा जाता है? कृष्ण मुरारी देसाई, उन्होंने विशेष सहयोग दिया। लेकिन उन्होंने नारा कौन सा निकाला? उन्होंने स्वास्थ्य लाभ करने का कौन सा सूत्र निकाला? समूत्रपान। वो अधका मूत्र पीने वाला। और यहाँ कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की टोल, वो कौन सा मूत्र? अधकार या बेहद का? बेहद की बात। तो आज की दुनिया के बहुत से एक्टर्स और उनकी एक्ट, बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया की एक्ट और एक्टर्स के साथ मिलता जुलता है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इस समय वो संग्राम शुरू हुआ, उसी समय भगवान परमात्मा ने भी आकर के इस शक्ति पर सच्ची स्वतंत्रता का संग्राम शुरू कर दिया। हद में भी दो पार्टियां थी, गरम दल और नरम दल। ब्राह्मणों की दुनिया में भी दो पार्टियां हो गई। जैसे हद में सुभाष चंद्र बोस और बेहद में रामवाली आत्मा। सूर्यवंशी गरम दल और चंद्रमा की तरह नरम दल का मुखिया। उनके लिए भी मुरली में बोला है, जैसे हद में बोला है वैसे बेहद में भी बोला है। गांधी मरा, राजकोट में जाकर कोई बड़े कांग्रेसी के यहां जाकर जन्म लिया, वो हद का गांधी हो गए। हमने की हद की बात हो गई, यहाँ बेहद का गांधी कौन? कैसा था? राम राज्य चाहिए चाहिए चाहिए, राम राज्य। और ही रावण राज्य का फाउंडेशन डालने वाला बन गया। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में गांधी कौन हुआ? ब्रह्मा। राजकोट में जन्म लिया, राज माने राजाओं, कोट माने किला, संगठन। लैबांग पार्टी में राजाओं का संगठन इकट्ठा होता है। उस बेहद के राजकोट में जाकर के गांधी की आत्मा ने, जो नरम दिल की चंद्रमा के समान आत्मा थी, उसने ज्ञान चंद्रमा के रूप में मस्तक में बुद्ध रूपी पेट में जन्म ले लिया। तो आज की हद की दुनिया की ढेर सारी बातें ज्ञान की दृष्टि से देखना, उनको ज्ञान की दृष्टि से टैली करे तो सारी बातें समझना ब्राह्मणों की दुनिया में टैली होती है बेहद। विज्ञान में चलने वाले को इतना गहरा मनन चिंतन मंथन भी करना चाहिए। जो हर बात को टैली करके अंदर से दृढ़ निश्चय बुद्धि बना रहे, इतना ज्ञान का गहरा फाउंडेशन होगा उतना माया कम हिला सकेगी। भगवान सृष्टि को रचता है, भगवान को कौन रचता है?
भगवान खुद रचयिते हैं? नहीं नहीं, ये सच्ची अनाज है। सच्ची के पांच तत्व अनाज है। सच्ची में पार्ट बजाने वाली आत्माएं भी अनाज है। ये प्रश्न ही रंग हो जाता है कि भगवान ने सच्ची क्यों रची। भगवान सच्ची का रचयिता नहीं है, ये सच्ची तो अनाज है। सच्ची का रचयिता है? सच्ची का रचयिता है। बाबा ये अष्टदेव और अष्टदेव के बारे में एक क्लैरिफिकेशन की थी। अष्टदेव जो अष्टदेव अष्टदेवों की विशेषता है, जब से ज्ञान में निकलेंगे तब से लेकर के अंत तक, जब तक तो फाइनल रिजल्ट आउट होने का टाइम ना आए, यानी आखिरी जन्म तक। आखिरी जन्म को छोड़ दो, क्योंकि माया किसी को छोड़ती नहीं, सबको डाउन करती। तो आखिरी जन्म तक भी वो परमात्मा बाप के सहयोगी बन करके रहेंगे, विरोधी बनते हुए कभी देखने में नहीं आएंगे, ना ड्रामा के ब्रॉड पीरियड में और ना ड्रामा के शूटिंग पीरियड में, समय में। और जो नष्टदेव होंगे वो आज में भी उनका विरोधाभास देखने में आएगा, मध्य में भी देखने में आएगा और अंत में भी विरोधाभास देखने में आएगा। बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, इसलिए बाप कहते हैं इन गुरुओं के ऊपर भी मेरे को ही आकर के रहम करना पड़ता है। एडवांस पार्टी शुरू होती है दिल्ली में और दिल्ली में स्वधर्म का भी बीज पड़ता है और विधर्मियों का भी बीज पड़ता है। चार मुख्य धर्म है, चारों के बीज वहां होते हैं, लेकिन बाप एक बंधन में बांधा हुआ है। बाप सच्चा बाप है, वो देखता है कि जिन बच्चों ने आज में मेरा सहयोग किया, भले मध्य और अंत में विरोध किया, आज में उस समय सहयोग किया जब सारी दुनिया में कोई भी सहयोगी नहीं था, उन पर भी रहम दे। इसलिए अंत तक उन्हें दिल्ली की सहयोगी आत्माओं को सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। और धर्म के मुखिया तो एहसान परामोश होते हैं, ये ऊंचे से ऊंचे बाप है, ऊंच पे ऊंचे कर्म करने वाला है। अपने ऊपर किए हुए एहसान को कभी भूलने वाला नहीं है। और बाप कोई बच्चे के वर्तमान को नहीं देखता, भविष्य को देखता, पास्ट को भी नहीं देखता, बीती तो बीती, भविष्य स्वरूप को देखता है। अभी पता चलता है, पता चलेगा, अभी पता चलता है। आप देखते नहीं है, आपके तबीयत बाहर हो गए हैं, आपको दुनिया देखने में नहीं आई। नारायण
और सारा आधार भूत नहीं है सत्युग का पक्ष नारायण वो आधार भूत नहीं है जनों पर झाड़ में जो भी बैठे हुए बेसिक नॉलेज के मुखिया के रूप में अपने अपने धर्म के मुखिया के रूप में जो दिखाए गए उनका जड़ रूप अर्थात आधार रूप है उन जड़ों के ऊपर झाड़ टिका हुआ है। बीज तो टोटल मुख्य है चार क्या चार धर्मों के चार मुख्य बीज है जो चार मुख्य बीज है वो उनमें तीन विधर्मियों के बीज है और एक पदर्मी का बीज है जो चार बीज है उनमें से तीन है निवृत्ति मार्ग वाले और एक है प्रवृत्ति मार्ग का बीज जैसे कोई कोई बीज होते हैं उनमें दो दल होते हैं कोई बीज होते हैं जिनमें एक ही दल जैसे मक्का बाजरा ज्वार उनमें दो दल होते हैं जैसे चना दाल तो ऐसे ही देवती देवी देवता सनातन धर्म का बीज है दो दल वाला तो जो जो दो दल का बीज है उसकी गैलेक्सी चलती है संयोनिक में माना कत्यु के आदि में आदि में वह और उसका विशेष सहयोगी कौन बनता है माना राम वाली आत्मा जो नारायण बनती है संगम भी डायरेक्ट नर से नारायण उसका विशेष सहयोगी आत्मा कौन बनती है माता बनती है कौन जगदम्बा जगदम्बा तुम आग आदि बन के कंगाल कर देती है बना बनाया खेल सारा बिगड़ जाता है राजा का विशेष सहयोगी राजा होगा या रानी होगी रानी होगी रानी होगी होगी राजा होगी बड़ा कृष्णात्मा है बस हाँ जी जो बाप होता है उसका नाम बाला कौन करता है बच्चा पति का नाम पत्नी बाला करती है या बाप का नाम बच्चा बाला करता है बच्चा बाला पत्नी बच्चे को जन्म देती है असली पत्नी रूप होगी तो असली बच्चे को जन्म देगी और नकली पत्नी होगी तो नकली बच्चों को जन्म देगी सच्चा और झूठा सच्ची गीता और झूठी गीता सच्ची गीता से सबसे सनातन धर्म बनता है जिससे सत्ययुग स्थापन होता है उस सत्ययुग में सच्ची गीता से पैदा हुआ बच्चा राज्य करता है वो बच्चा यहाँ भी सहयोगी बन करके रहता है ये बात दूसरी है कोई बात समझ में नहीं आती है देवी बुद्धि होने के कारण तो सहयोगी नहीं बन पाता और जब समझ में आ जाएगी तो वो बच्चा पूरा सहयोगी बनता है अभी उस समय नहीं आए ना है
अभी अभी भी सहयोगी है, एक बात में सहयोगी नहीं। गीता के सारा ज्ञान बुद्धि में आता है, लेकिन गीता ज्ञान दाता कौन है साकार में? इस बात ये बात बुद्धि में नहीं बैठी।